सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। आज भी बहुत सारे टॉपिक्स आए हैं आप देखो, और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आए हैं, बहुत जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं ज्योग्राफी के, साइंस के, आईआर और एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। आप खुद देख सकते हो फोनॉन्स का कंसेप्ट है, यू मस्ट हैव रेड अबाउट फोटॉन्स, और हम लोगों ने और भी कई सारी चीज़ें देखी हैं जैसे क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम टेलीपोर्टेशन, क्वांटम एंटेंगलमेंट। अब यहाँ पे एक नया कंसेप्ट है दैट इज लिंक्ड विथ व्हाट वी कॉल इट एज फोनॉन्स। ठीक है, तो फोनॉन्स का एक कंसेप्ट है, तो उसको डिस्कस करेंगे। बैटल ग्विस एज अ वेरिएबल स्टार, इस पर भी कई बातें आई, वो भी डिस्कस करेंगे। अब देखो, ग्राउंड वाटर और अर्थ एक्सिस का क्या रिलेशन है, बहुत यूनिक है, बहुत ही ऐसे टॉपिक्स को ना पेपर को भी सर्च करना पड़ता है, उसमें भी कहाँ से टॉपिक एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ये आपका साइंस वाला जो पेज यूपीएससी मतलब टेक्स्ट वाला पेज है उसमें है, ये यूपीएससी के ये जो हिंदू के साइंस वाला पेज है उसमें है। ग्राउंड वाटर एंड अर्थ एक्सिस, ये भी जो ग्राउंड वाटर एंड अर्थ एक्सिस है, ये भी आपका जो साइंस वाला पेज है द हिंदू का, उसमें दे रखा है। इंडिया का जो ग्रोथ पोटेंशियल है, उस पर इस पर मेंशन है। तो इंडिया का ग्रोथ पोटेंशियल, ये एडिटोरियल का टॉपिक है। एडिटोरियल के अंदर ये सबमिट फॉर न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट है, इस पर बहुत पॉसिबिलिटीज बार प्रश्न बने, बट इन्होंने ओपिनियन दिया है। जो आर्टिकल है ना उसमें अपनी बातें बोली, पहले उसको होने तो देना चाहिए। पहले अभी 22 और 23 तारीख मतलब जो परसों है और 22 और 23 तारीख को सबमिट होगी, तो फिर जो भी पॉइंट्स आएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स बूस्टर के 4 टॉपिक्स हैं और मेंस का जो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करता हूं दैट विल बी देयर। प्रीलिम्स बूस्टर के अंदर जो टॉपिक्स आज मैं डिस्कस वी विल डिस्कस सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस, सी लेटिव्स, एलनीनो लानीना और ग्रेविटेशनल लेंसिंग। तो टोटल इतने सारे टॉपिक्स हैं करने के लिए, तो सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार जल्दी से बता दो, वॉइस आपकी क्लियर है और सारी चीज़ें क्लियर है, सो दैट आई कैन स्टार्ट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। साइंस का ये टॉपिक है, फोनॉन्स ऑन द चॉपिंग ब्लॉक आर साउंड पार्टिकल्स क्वांटम टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझना। अगर आप कोई भी स्टैटिक किताब उठाओगे और कहीं भी, तो आपको ये चीज़ें मिलने वाली नहीं है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़्यादातर कंसेप्ट जो डायनेमिक होते हैं, साल दो साल के अंदर जो न्यूज़ में होते हैं, उनको बहुत डेप्थ में पढ़ना है। ऊपर ऊपर से अब काम आपको भी पता है कि नहीं चलेगा, और टॉपिक के डेप्थ में पढ़ना जरूरी है, खास तौर से वो टॉपिक्स जो ऐसे पेपर के अंदर आते हैं, तो इनको बहुत ध्यान से समझना है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले देखो, ये फोनॉन्स का मतलब समझना है, व्हाट आर फोनॉन्स। फोनॉन्स क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक वाइब्रेशन इन अ सॉलिड मीडिया। सॉलिड मीडिया कोई भी चीज़, जैसे लिक्विड है, गैस है और सॉलिड है, तो सॉलिड मीडिया का मतलब क्या होगा, सॉलिड मीडिया में दीज आर काइंड ऑफ अ वाइब्रेशनल साउंड दैट इज जनरेटेड। ठीक है, एक प्रकार का वाइब्रेशनल साउंड जो कि जनरेट होगा। आगे और भी कई सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे दो टर्म्स है, एक है फोटॉन्स, दूसरा है फोनॉन्स। फोटॉन्स क्या है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे जनरली अगर आप पढ़ो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो जैसे विजिबल लाइट, इन्फ्रारेड, गामा रेज, एक्स रेज, ये सब चीज़ें क्या हैं, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये कंपोनेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो फोटॉन्स क्या है, दीज आर काइंड ऑफ अ एक प्रकार के, दीज आर काइंड ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पार्ट ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जहाँ पे वी कैन से जो सर्टेन एनर्जी के बेसिस पे हम उसको कन्वर्ट करते हैं। इट मीन्स वी कैन से ये जो फोटॉन्स हैं, ये फोटॉन्स किससे लिंक्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जुड़े हुए हैं। जब फोनॉन्स की अगर हम बात करेंगे, तो इट इज लिंक्ड विद अ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन जैसे किसी भी मीडिया, कोई भी मीडिया, जैसे मान लो कोई भी मीडिया आप ले लो, सॉलिड मीडिया में ले लो, और वहां पे देयर विल बी अ वाइब्रेशन जनरेटेड। ठीक है, ऐसा वाइब्रेशन जनरेटेड होगा एंड वी विल कॉल इट एज फोनॉन्स। अब थोड़ा सा और इस डिस्कशन को डेप्थ में लेकर जाएंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझना है। जैसे अविशेष है, उन्होंने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, यस इट्स अ फोटोन की अगर हम बात करें। अब यहाँ पे आप एक कंसेप्ट समझना है, दैट वी कॉल इट एज अ क्वांटम कंप्यूटर्स। ध्यान समझना इसको, क्वांटम कंप्यूटर्स, इस साल का नोबेल प्राइज जो मतलब पहले मिला था, वो आपका क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर इस बार नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो क्वांटम कंप्यूटर्स में जनरली क्या होता है, दे आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट वी कॉल इट एज अ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के कंसेप्ट बेस्ड होता है। क्वांटम मैकेनिक्स किससे रिलेटेड है, दीज आर बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। थोड़ा सा ध्यान से समझना, एक बार और सुनने का कोशिश करो। जैसे फॉर एग्जांपल, हर एक चीज, जैसे कोई भी
कोई भी नॉन लिविंग सिस्टम अगर हम देखें तो उसमें जो एक स्मॉल यूनिट आता है जिसे हम एटम बोलते हैं, एटम के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मींस दे आर स्मॉलर देन द एटम्स। और इनकी प्रॉपर्टीज पर जो बेस्ड है या इनकी जो प्रॉपर्टीज की जो स्टडी है उसे ही हम क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं, वी कॉल इट एज क्वांटम मैकेनिक्स। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में आप देखोगे इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है, इन सब के नेचर को स्टडी करना, इनके प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, इसको हम क्वांटम मैकेनिक्स बोलेंगे। और जो क्वांटम कंप्यूटिंग, जो क्वांटम कंप्यूटिंग मतलब ध्यान से सुनना इसको, क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या है कि आप कंप्यूटर जो है वो बना रहे हो बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। इट मींस जो आप कंप्यूटर बना रहे हो, जैसे मान लो कन्वेंशनल कंप्यूटर है, अभी आपकी क्लास जिसमें हो रही है नॉर्मल कंप्यूटर है, तो ये नॉर्मल कंप्यूटर है। क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होंगे, क्वांटम कंप्यूटर्स बेसिकली दे आर बेस्ड ऑन दीस प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। इसका क्या दूसरा रूप, इसको कैसे लिखोगे कि क्वांटम कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो एटम है उससे भी छोटे जो पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इनके प्रॉपर्टीज पर बेस्ड जो कंप्यूटर बनाए जाते हैं उन्हें हम क्वांटम कंप्यूटर्स बोलते हैं, वी कॉल देम एज क्वांटम कंप्यूटर्स। तो ये तो एक बात ये हो गई। दूसरा प्रश्न आपके मन के अंदर आ सकता है, जो दूसरा एस्पेक्ट आपके मन के अंदर आना चाहिए वो ये है कि क्वांटम कंप्यूटर में एक कंसेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं सुपर पोजिशन, भी हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, जैसे आप अपने घर में घुसते हो, अब उस घर में चार कमरे हैं, एक कमरे में गेस्ट के लिए है, दूसरा कमरे में डाइनिंग हॉल है, तीसरे कमरे में आपका रूम है, चौथे कमरे में आपके ब्रदर का रूम है, और एक रूम और ले लो, एक है फादर मदर का रूम है, तो ये अलग अलग कमरे हो गए। तो यहाँ पे क्या है कि नॉर्मल कन्वेंशनल कंप्यूटर क्या करता है, नॉर्मल कन्वेंशनल कंप्यूटर कहता है कि एक जगह पे जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, मतलब उसकी वैल्यू या तो जीरो होगी या तो वन होगी। इट मींस आप जब जाओगे अपने घर के अंदर तो आप अपने ही रूम पे रुकोगे, जो आपके पेरेंट्स का रूम होगा वो अपने रूम पे जाएंगे, आपके ब्रदर का है वो अपने रूम पे जाएगा, तो एक समय में एक वैल्यू ही हो सकती है, दैट इज जीरो एंड वन। सुपरपोजिशन या फिर जो क्वांटम कंप्यूटर्स बेस्ड होते हैं, ये प्रश्न भी आया है, दैट इज दे आर बेस्ड ऑन दिस एस्पेक्ट व्हाट वी कॉल इट एज क्यूबिट, क्यूबिट के प्रॉपर्टी पे होता है, उसमें जो वैल्यू ऑफ जीरो एंड वन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है, मतलब एक ही समय में जो वैल्यू है वो जीरो भी हो सकती है, वो वैल्यू वन भी हो सकती है। तो ये जो कंसेप्ट, इसे सुपर पोजिशन भी कहते हैं, मतलब आपके कमरे में आपके भाई भी रह सकते हैं, आपके कमरे में और भी जो लोग हैं वो रह सकते हैं, इट सिंपली मीन्स दैट, मतलब ऐसा कोई डिविजन नहीं है। तो ये जो प्रॉपर्टी क्वांटम कंप्यूटर्स की है इसे हम सुपर पोजिशन भी, वी ऑल्सो कॉल इट एज अ सुपर पोजिशन। अब जैसे यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन फोनॉन्स ऑप्टिकल फोनॉन्स, तो यहाँ पे जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप देखो, देर आर डिफरेंट, जैसे हीट की वजह से, साउंड की वजह से, लाइट की वजह से जो वाइब्रेशन है दैट इज जनरेटेड, ठीक है, जो वाइब्रेशन, जैसे हीट और साउंड इज यूज टू जनरेट एकॉस्टिक फोनॉन्स विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय द थर्मल ग्रेडियंट्स। तो इट मीन्स जैसे अगर देखा जाए तो जो फोनॉन्स जनरेट यहाँ पे हो रहे हैं, ध्यान समझना इसको, यहाँ पे हीट का इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पे आपका साउंड का इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पे आपका लाइट का इस्तेमाल हो रहा है, लाइट का इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पे जनरली वोल्टेज के माध्यम से वाइब्रेशन जनरेट हो रही है। तो ये सब क्या है, दीज आर द डिफरेंट तरीके हैं जिसके माध्यम से फोनॉन्स आप बना सकते हो, हीट या साउंड के माध्यम से जनरेट हो सकते हैं, लाइट के माध्यम से दीज फोनॉन्स कैन बी जनरेटेड, इट मीन्स जैसे लाइट और टेरा हर्ट्स पल्स इज यूज्ड टू कोहेरेंटली एक्साइट द ऑप्टिकल फोनॉन्स, द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अगेन रिमेन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ पे आपको बस समझना है कि दीज फोनॉन्स कैन बी क्रिएटेड, ये जो फोनॉन्स है ये कैन बी, इट कैन बी अकॉस्टिक फोनॉन्स, इट मीन्स इसमें आप हीट और साउंड का इस्तेमाल कर रहे हो, ये लाइट ऑप्टिकल फोनॉन्स हो सकता है, इसमें आप लाइट का इस्तेमाल जो है आप कर रहे हो, और यहाँ पे डिफरेंट वोल्टेज के माध्यम से आप फोनॉन्स पे चेंजेस कर सकते हो। तो ये क्या चीज हाईलाइट करती है कि जो भी फोनॉन्स हैं इन फोनॉन्स में आप डिफरेंट ये तरीके हैं जिसके माध्यम से बदलाव ला सकते हो। अभी यहाँ पे देखो क्यूबिट्स का कंसेप्ट, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि क्वांटम जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो भी क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, दीज क्वांटम कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन, ये जो क्वांटम, ये आप ध्यान समझना कि जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं दे आर बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, अभी हमने डिस्कस किया, और उसमें जो स्टोरेज यूनिट है वो क्यूबिट्स हैं, जहां पे एक समय पे वैल्यू जीरो भी हो सकती है और
वन भी हो सकते हैं। तो ये जो क्यूबिट है, ये क्यूबिट बेसिकली क्या है, ये एक एट अ टाइम ये इलेक्ट्रॉन लाइक इट कैन बी अ पार्टिकल लाइक एन इलेक्ट्रॉन, इट कैन बी अ कलेक्शन ऑफ अ पार्टिकल्स। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा कन्फ्यूज नहीं होना है, बस आपको एक चीज बस याद रखना है, सिंपल सी बात ये याद रखना है कि ये जो क्यूबिट्स जनरेट किए जाते हैं ये सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, उसके प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। इस वजह से इसकी जो वैल्यू है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जीरो भी हो सकती है और वन भी हो सकती है। इट मींस यहां पे वैल्यू ऑन भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है, एक ही समय पे दो वैल्यूज भी हो सकती हैं। तो यहां पे ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी है क्वांटम कंप्यूटर्स की, जिस वजह से इवन वो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को भी कर सकता है। ये ध्यान समझना, जैसे आपका बाइनरी सिस्टम इस्तेमाल होता है कन्वेंशनल सिस्टम के अंदर, कन्वेंशनल कंप्यूटर में, तो वैल्यू कैन बी जीरो, वैल्यू कैन बी वन। यहां पे क्यूबिट्स में अंदर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वैल्यू कैन बी जीरो वन, एक ही समय पे हो सकता है, एक ही समय पे हो सकता है। इसलिए इवन जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है ये क्वांटम कंप्यूटर्स के द्वारा, इवन जो आपके सुपर कंप्यूटर्स भी नहीं कर सकते हैं, उन चीजों को क्वांटम कंप्यूटर्स सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें एक एग्जांपल भी इन्होंने दिया, जैसे लीनियर ऑप्टिकल क्वांटम कंप्यूटिंग जिसमें फोटोन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग तो है ही, बट यहाँ पे ऑप्टिकल शब्द का इस्तेमाल, ऑप्टिकल जब भी शब्द इस्तेमाल हुआ इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू लाइट, इट इज रिलेटेड टू लाइट। तो एल ओ क्यू सी क्या है, इट्स एन ऑप्टिकल क्वांटम कंप्यूटिंग जो कि जिसमें फोटॉन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो फोटॉन्स हैं फोटॉन्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे LOQC इट ऑफर्स द यूज ऑफ ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स, इसमें कुछ इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होता है जैसे मिरर, लेंसेस, वेव प्लेट्स, स्प्लिटर्स, जहां से जिसका इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है। तो पॉइंट आपको क्या समझना है, LOQC क्या है, ये क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, और इसमें भी आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, यू आर यूजिंग फोटॉन्स या यू आर यूजिंग द लाइट, और ये लाइट है, इस लाइट जैसे मान लो ये लाइट आ रही है, सपोज करो दिस इज द लाइट, अब इसमें इन चीजों का इस्तेमाल करके ये एक लाइट को दो में कन्वर्ट आप कर सकते हो, मतलब इसको स्प्लिट करने के लिए आप मिरर, लेंसेस, स्प्लिंटर, वेव प्लेट्स इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और ये जो स्प्लिट है यहाँ पे दो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है। तो ये सिंपल सी LOQC की अगर बात किया जाए, LOQC ये आपका रहता है। नेक्स्ट अगर फोनॉन्स की बात किया जाए, अब फोनॉन्स को ये लगा, फोनॉन्स के अकॉर्डिंग मतलब साइंटिस्ट को ये लगा कि यार आप जो है LOQC में फोटॉन का इस्तेमाल कर रहे हो, फोटॉन्स का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हो, इज इट पॉसिबल कि आप फोनॉन्स का इस्तेमाल कर लो, क्योंकि फोटॉन्स क्या है, इट्स अ पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी, फोनॉन्स क्या है, ये वाइब्रेशनल एनर्जी है, ध्यान समझना। तो यहां पे अभी आपको समझ में आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप जो भी क्वांटम कंप्यूटर्स बना रहे हो उस क्वांटम कंप्यूटर्स में आप ऑप्टिकल या फिर फोटॉन का इस्तेमाल कर रहे हो, दिस इज द पॉसिबिलिटी जिसे आप LOQC बोल रहे हो, लेकिन इज इट पॉसिबल कि आप वाइब्रेशनल एनर्जी का इस्तेमाल करो, वाइब्रेशनल एनर्जी का इस्तेमाल क्या आप कर सकते हो जिसके माध्यम से क्वांटम कंप्यूटिंग जो डेवलप की जा सकती है, वाइब्रेशनल एनर्जी, जिसे यही जो पैकेट ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी है इसी को हम फोनॉन्स बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोनॉन्स। अब रिसर्चर्स ने कहा, लाइक रिसर्चर्स ने क्या कहा कि देखो सिंपल सा एक पॉइंट हमने क्या समझा कि यहाँ पे LOQC में क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स बेसिकली किस पर बेस्ड हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के प्रॉपर्टी पर बेस्ड हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन हो गया, जैसे इलेक्ट्रॉन क्या है, इट्स अ सब एटॉमिक पार्टिकल, ध्यान समझना सब एटॉमिक पार्टिकल बेस्ड है। अब यहाँ पे क्यूसी पे आपने ऐड किया LOQC, एल क्या है, यहाँ पे लाइट है, लाइट में आपने किया फोटॉन्स, इट मींस व्हाट, इज इट पॉसिबल कि फोटॉन की जगह आप फोनॉन्स का इस्तेमाल कर सको जिसके माध्यम से ये जो क्वांटम कंप्यूटर्स है उसको डेवलप कर सको। तो रिसर्चर्स ने कहा कि यार जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें आप उनका जो डायरेक्शन उनको मैनिपुलेट कर सकते हो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे, फोटॉन्स मिरर लेंसेस के बेसिस पे जो है लाइक फोटॉन्स विथ मिरर्स लेंसेस एक्सेट्रा इसके माध्यम से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर फोनॉन्स की बात किया जाए तो उसमें आपको नए तरीके के टूल्स की जरूरत पड़ेगी, नए तरीके के टूल्स की जरूरत पड़ेगी जिसके माध्यम से आप इलेक्ट्रॉन्स को मैनिपुलेट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सी बात है, देखो इसमें
अगर आपको ध्यान से समझो, ध्यान से सुनो कि क्या हम बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ बार बार एक ही बात को, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत ही टिपिकल ये टॉपिक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि क्वांटम कंप्यूटर्स, जो कि इलेक्ट्रॉन या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, जो LOQC है वो लाइट के माध्यम से, या फोटोन की बात करें तो फोटोन विथ मिरर, उसके माध्यम से इलेक्ट्रॉन को मैनिपुलेट कर सकते हो। क्या फोटोन की जगह, जो फोटोन पर बेस्ड है या लाइट पर बेस्ड है, उसकी जगह इज इट पॉसिबल कि आप फोनॉन के माध्यम से, फोटोन की जगह फोनॉन्स के माध्यम से इलेक्ट्रॉन्स को मैनिपुलेट कर सकते हो, ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है कि हाँ, अब जो नई स्टडी है वो उसने कहा कि बीम स्प्लिटर जैसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे बीम स्प्लिटर्स जो है वाइडली यूज्ड ऑप्टिकल रिसर्च में किया जाता है। तो यहाँ पे कहा गया कि सपोज करो एक टॉर्च की लाइट ऐसे जा रही है, टॉर्च की लाइट है, अब यहाँ भी एक टॉर्च की लाइट है, जैसे एक वो पुराने जमाने की टॉर्च आती थी ना सिल्वर कलर की, अब आपने लाइट मारी इस तरीके से, लाइट मारने के बाद लाइट बहुत इंटेंसिटी के साथ आई, बट बीम स्प्लिटर इसको दो पार्ट में बांट देगा, एक तरफ एक लाइट ऐसे जाएगी और एक लाइट सीधी चली जाएगी। तो ये बीम स्प्लिटर्स का इस्तेमाल आपका किया जाता है। तो ये क्या है, ये भी क्या है, जैसे लाइट है वो बीम स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स है, लेकिन अगर जब भी बीम स्प्लिटर को आप लाइट के पाथ में आप रखोगे, जो बीम, अब इसका नाम ही क्या है, बीम स्प्लिटर, स्प्लिटर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बांटना या स्प्लिट करना। तो अगर लाइट आपने टॉर्च की लाइट मारी, जैसे वो पुराने जमाने वाली टॉर्च लाइट मारी, बीम स्प्लिटर उस लाइट को दो भाग में बांट देगा, इट विल रिफ्लेक्ट 50% ऑफ द फोटॉन एक तरफ और 50% सीधा चली जाएगी, मतलब 50% लाइट ऐसे जाएगी और 50% लाइट आपकी जो है सीधी आपकी सीधी जाएगी। इफ यू शाइन अ मिलियन फोटोन एट इट, इट विल क्रिएट टू बीम्स ईच ऑफ 5 लाख फोटॉन्स। तो इट मींस व्हाट, कि अगर जैसे जो अभी टॉर्च लाइट का एक एग्जांपल है, तो टॉर्च लाइट क्या है, वो भी एक प्रकार से स्ट्रीम ऑफ फोटोन है। टॉर्च लाइट की जगह अगर आप मिलियंस फोटोन को भी शाइन कराओ, तो बीम स्प्लिटर उसको भी दो भाग में बांट सकती है। इट मींस व्हाट, कि दो बीम, एक रिफ्लेक्ट करेगी और एक आपकी सीधी जा सकती है। इट मींस टू बीम्स दे कैन, एक तरीके से दे कैन इंटरसेक्ट ऑल्सो, एंड फिर एक पैटर्न भी, दीज बीम्स कैन बी क्रिएटेड। अब नई जो स्टडी है, इस नई स्टडी के अंदर ये कहा गया कि दे कैन डेवलप एकॉस्टिक बीम स्प्लिटर। ये एकॉस्टिक बीम स्प्लिटर, एकॉस्टिक शब्द से ही रिलेटेड हो गया, साउंड और इन सब से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यू आर यूजिंग एकॉस्टिक बीम स्प्लिटर। अगर इवन, जैसे फॉर एग्जांपल, ये इसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसको एक्सप्लेन किया है, इट मींस व्हाट, कि जो एकॉस्टिक बीम स्प्लिटर है, एक प्रकार का टाइनी डिवाइस है, जैसे कंघी होती है उस तरीके से रिसेंबल करता है, इसमें मेटल बार्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो एकॉस्टिक मतलब साउंड से रिलेटेड है, एंड बीम स्प्लिटर, बीम मतलब इट विल ऑल्सो स्प्लिट द बीम, उसको बांट देगा बीम को। तो इसको अगर आप एक लॉन्ग चैनल ऑफ लिथियम नायोबेट, एक बड़ा सा चैनल है, उसके बीच में इसको अगर आप रखते हो, सपोज करो यहाँ पे एक एकॉस्टिक बीम स्प्लिटर को आप रखते हो, तो यहाँ पे ईच एंड ऑफ द चैनल हैड अ सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट, मतलब ये आपका चैनल है, चैनल के एंड में आपका क्यूबिट्स प्रेजेंट है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, बट ट्राई टू जस्ट अंडरस्टैंड। इसमें सिंपल सी बात जो हाईलाइट क्या किया जा रहा है, कि ये जो सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स है, क्यूबिट्स पर ही बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर्स आपके होते हैं, जहाँ पे इंफॉर्मेशन और सब स्टोर आपकी होती है। तो दीज क्यूबिट्स हुज सर्किट कंपोनेंट्स वर सुपर कंडक्टिंग दैट कुड बोथ एमिट एंड डिटेक्ट इंडिविजुअल फोनॉन्स द होल्स। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो एकॉस्टिक बीम स्प्लिटर है, दिस एकॉस्टिक बीम स्प्लिटर कैन बी यूज टू मैनिपुलेट द इलेक्ट्रॉन्स। और ये एकॉस्टिक बीम स्प्लिटर जो है, इट बेसिकली इट कंटेन्स द, या आप कह सकते हो जो फोनॉन्स हैं, फोनॉन्स मतलब पैकेट ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो, अब ये हिंदू का टॉपिक चल रहा है, बट हाईएस्ट लेवल का डिस्कशन है ये ऐसा नहीं है कि आप वन लाइनर टाइप चीज़ें हम देख रहे हैं। अब ये जो डिस्कशन है ना, इसी के लिए आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। अभी वन लाइनर डिस्कशन, ये वहाँ गए प्रधानमंत्री, वहाँ गए ये, ऐसे गए वैसे गए, वो चीज़ हमारे काम नहीं आएगी, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इसको एक एक करके समझना है। और देखो, बहुत इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं, बट एटलीस्ट आपके मन के अंदर एक चीज़ क्लियर होगी, फोनॉन क्या है, फोटोन क्या है, LOQC क्या है, और
फोनॉन के माध्यम से आप क्या कंप्यूटर्स डेवलप कर सकते हो? आंसर इज यस, क्वांटम कंप्यूटर्स में भी फोनॉन का इस्तेमाल हो सकता है बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी और बिकॉज ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ एकाउस्टिक बीम स्प्लिटर्स इसके माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, साइंस का टॉपिक है। आप देखो ये भी देखो साइंस का टॉपिक है, यहाँ पे भी पूरा आर्टिकल आया है, बहुत ध्यान समझना इसका। इस बैटल ग्यूस, इस पर एक आर्टिकल पर डिस्कशन मैंने पहले भी कर रखा था। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे इस बैटल ग्यूस फाइनली बीटिंग द रिट्रीट इन कॉन्स्टिलेशन ओरियन। तो यहाँ कॉन्स्टिलेशन का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार। बैटल ग्यूस का यहाँ बात की गई है, तो बैटल ग्यूस क्या है कि स्टार है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस डायग्राम को देखना, इससे फिर चीज़ें और समझ में आ जाएंगी। नेबुला, नेबुला क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय नेबुला? नेबुला एक क्लाउड है, गैस का क्लाउड है, और इसी के माध्यम से स्टार का फॉर्मेशन आपका होता है। तो यहाँ पे जैसे मान लो स्टार ये रेड जायंट बना, रेड जायंट ये रेड सुपर जायंट बना, डिपेंडिंग अपॉन स्टार का कितना मास है, उसका एंड जैसे ये वाइट ड्वार्फ में हो रहा है, और ये बड़ा स्टार जो बना है उसको हम जैसे ये सुपरनोवा मतलब एक्सप्लोशन हुआ, और फिर उसके बाद न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बनेगा। मतलब अगर स्टार अगर बहुत बड़ा है अगर कमेंट सेक्शन बताओ चंद्रशेखर लिमिट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय चंद्रशेखर लिमिट, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पे देखो नेबुला, फिर आपका रेड सुपर जायंट, फिर सुपरनोवा, फिर हाई ये, फिर न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल। इसका फॉर्म मतलब ये एक प्रकार से यहाँ से स्टार बनना शुरू होगा और स्टार न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल में इसका खात्मा होगा। यहाँ पे स्टार बनना शुरू हुआ वाइट ड्वार्फ में, इसका खात्मा होगा। तो ये छोटे स्टार वाइट ड्वार्फ बन के मरते हैं और बड़े स्टार न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बन के मरते हैं। बड़े स्टार में सुपरनोवा, सुपरनोवा का मतलब एक्सप्लोशन होता है। दूसरा यहाँ पे एक टर्म यूज है, दैट इज पल्सेटिंग नेचर। पल्सेटिंग नेचर का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जो स्टार होगा दैट विल कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड। इमेजिन करो कोई पर्सन है उसका जो बड़ा सा पेट है, ज़्यादा थोड़ा हेल्दी है, और वो सांस रनिंग कर रहा है और अब बस सांस ले रहा, पेट अंदर जा रहा, पेट बाहर आ रहा, पेट अंदर जा रहा, पेट बाहर हो रहा। तो इसी तरीके से जो स्टार है वो स्टार कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, बिकॉज ऑफ दिस इट हैज अ पल्सेटिंग नेचर, इसे कहा जाता है पल्सेटिंग नेचर कहा जाता है। अब ये जो ये बैटल ग्यूस क्या है, ये रेड स्टार है। ठीक है, रेड स्टार है, ब्राइट स्टार है, कॉन्स्टिलेशन लाइक इट्स अ ब्राइट रेड स्टार, जिस कॉन्स्टिलेशन मतलब जिस ग्रुप ऑफ स्टार के अंदर उसे ओरियन में है, और इसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर देखने को मिला है। इट इज़ ऑल्सो अ वेरिएबल स्टार। वेरिएबल स्टार का मतलब है कि बिकॉज ऑफ द पल्सेटिंग नेचर यहाँ पे एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट आपका रहता है, ऐसा नहीं कि कॉन्स्टेंट है। लेट 2019-20 में यहाँ पे कहा गया कि ये बहुत डिमिंग हो गई, मतलब जैसे जो स्टार होते हैं, जैसे सन भी एक स्टार है। अब सन साइन सूरज चमकता, सुबह उठो और आप देख रहे हो यार सूरज चमक ही नहीं रहा है। तो इसी तरीके से क्या है कि जो स्टार बैटल ग्यूस है उसमें कहा गया कि वो धीरे धीरे डिम होता जा रहा है, और ये वन ऑफ द मतलब आप कह सकते हो ब्राइटर स्टार के रूप में बैटल ग्यूस को कंसिडर किया जा रहा था, बट ये धीरे धीरे आपका डिम होता जा रहा है। और ये जो चीज नोटिस की गई है, इसे इस इवेंट को भी ग्रेट डिमिंग बोला गया। इसे क्या बोला गया? इट हैज बीन कॉल्ड एज अ ग्रेट डिमिंग। अब जनरली जो स्टार होते हैं वो स्टेबल होते हैं। स्टेबल का मतलब हो गया कि जैसे अगर आपने अपने घर की लाइट जो है, घर की लाइट जला दी, ठीक है, घर के रूम की लाइट जला दी, रूम की लाइट अगर आपके यहाँ पे LED का बल्ब है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो लपलूप होगा, वो एक ही कॉन्स्टेंट उस पर जलता रहेगा। अब एक बार कई बार आप देखोगे कि लाइट जलाए और लपलूप होने लग गया, मतलब वो लाइट फ्लक्चुएट करने लग गई, तो वो वेरिएबल हो गया। स्टेबल का मतलब सेम फ्रिक्वेंसी में ब्राइटनेस और सारी चीज़ें चल रही हैं। जब आपका कोई बल्ब जैसे ख़राब हो गया, तो इट मींस व्हाट, कभी कम लाइट कभी ज़्यादा लाइट ऐसा होने लग जाता है। तो जब स्टार ऐसी प्रॉपर्टी अचीव कर ले, इट मीन्स वो डिम भी हो रहा है, ब्राइट भी हो रहा है, डिम भी हो रहा है, ब्राइट भी हो रहा है, तो वो क्या होगा? वेरिएबल स्टार होगा। इट इज़ कॉल्ड एज अ वेरिएबल स्टार। बैटल ग्यूस की जो प्रॉपर्टी है, जिस वजह से वो कभी डिम हो रहा है, कभी ब्राइट हो रहा है, कभी डिम हो रहा है, कभी ब्राइट हो रहा है, तो इसे कहा गया इट इज़ अ काइंड ऑफ अ वेरिएबल स्टार। बैटल ग्यूस क्या है? इट्स अ वेरिएबल स्टार। मोस्ट फेमस इज मीरा। मीरा भी एक क्या है? स्टार के रूप में ही है। इसको जर्मन पैस्टर डेविड मतलब इन्होंने डिस्कवर आपका किया था। ये भी पल्सेटिंग स्टार है बिकॉज ऑफ इट्स कंटिन्यूसली एक्सपैंड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्सपैंड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो मीरा जो है ये भी एक स्टार है जो कि 1596 में डिस्कवर किया गया था। बैटल ग्यूस भी इसी कैटेगरी की है। एक दूसरा स्टार सेम सी है बैटल ग्यूस की तरह, उसका नाम अल्गोल है। तो यहाँ पर नाम याद रखो, अगर आपसे पूछे रिसेंटली बैटल ग्यूस मीरा अल्गोल न्यूज़ में था, तो ये क्या है? अगर आपसे पूछे कि बैटल ग्यूस अल्गोल और मीरा रिसेंटली न्यूज़ में था, तो क्या है? ठीक है, तो बैटल ग्यूस सेवेंथ ब्राइटेस्ट स्टार है स्काई के अंदर।
तो यहाँ पे ब्राइटेस्ट वेरिएबल स्टार के रूप में कंसिडर किया गया। तो आपको क्या समझना है यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन बाय द वेरिएबल स्टार, वेरिएबल स्टार का क्या मतलब होता है। तो कई बार जो बेटल ग्वीस है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, इवन एक स्टार जिसका नाम रिगेल है, रिगेल भी क्या है, ये आप कह सकते हो कि फोर्थ ब्राइटेस्ट स्टार कॉन्स्टेलेशन के अंदर। पॉइंट बार बार हाईलाइट करने की क्या बात कर रहे हैं कि जो बेटल ग्वीस है बहुत ब्राइट हो जाता है, बट अभी कुछ समय में देखने को मिला है कि ये धीरे 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 ये चीज़ देखने को मिली है कि धीरे धीरे डिम हो रहा है, यहाँ डिमिंग जो है वो देखने को मिल रही है, जिसे हम ग्रेट डिमिंग शब्द का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, मतलब वो थोड़ा सा ब्राइटनेस उसकी कम होती कंटिन्यूस बेसिस में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे ये कहा गया कि ये जो स्टार हैं, दिस काइंड ऑफ स्टार सुपरनोवा एक्सप्लोजन इज ट्रिगर्ड इन द कोर। अब इसमें कहा गया कि ऐसा भी हो सकता है कि इसका जो नेचर है इस प्रकार का, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। तो बोला गया कि एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि एक बड़ा सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ हो, तो जब एक्सप्लोजन हुआ तो बहुत ब्राइट हो गया। अब ऐसा नहीं होता कि चार दिन के अंदर हो गया, मिलियंस ऑफ ईयर तक चलता है। तो हो सकता है सुपरनोवा का एक्सप्लोजन हुआ और तब ब्राइट हो गया, अब धीरे धीरे जब एक्सप्लोजन हो चुका है तो अब उसके बाद वो डिम होता जा रहा है, एक रीज़न ये आपका हाईलाइट किया गया, दिस कैन ऑल्सो बी द रीज़न। अब जनरली जैसे मान लो एक्सप्लोजन हुआ बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन जब होता है तो वो डस्ट है, जैसे अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो हमने डिस्कस किया दिस इज सुपरनोवा। जब ये एक्सप्लोजन होगा स्टार के अंदर तो बहुत सारे मटेरियल भी होते हैं, जैसे अगर साउथ की मूवीज देखते हो ना, साउथ की मूवीज में क्या होता है, उसने हीरो ने पैर मारा तो पूरी धरती इधर उधर होने लग गई और उसके बाद सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो आसमान में उड़ने लग गए, ऐसे होता है ना कि धुआं टाइप सिचुएशन आ जाती है। तो अब ऐसा ही मानो कि जब एक्सप्लोजन होगा तो बहुत सारे पार्टिकल्स आसमान में आएंगे, एंड बिकॉज ऑफ दिस आस्पेक्ट जो जैसे किसी चीज़ को अगर आप देखते हो तो अगर उस जगह से बहुत सारी लाइट आ रही है तो आपको ब्राइट दिखेगा, लेकिन उसके चारों तरफ अगर पार्टिकल्स का एक कवर बन जाए तो वो आपको धुंधला दिखने लग जाएगा। तो हम तो स्टार को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सुपरनोवा की वजह से, एक्सप्लोशन की वजह से, एक्सप्लोशन जब हुआ तो फिर ब्राइट दिखा, फिर उसके बाद ये जो पार्टिकल्स का एक कवर बन गया तो जब हम उसको देख रहे हैं ना तो हमें वो ज़्यादा ब्राइट नहीं दिख रहा। तो ब्राइटनेस जो कम है उसके पीछे एक रीज़न क्या बताया गया कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, एक हाई पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये जो क्लाउड्स हैं, डस्ट क्लाउड जो सराउंड कर रहे हैं स्टार को, दिस कैन बी द रीज़न जिस वजह से वो उसमें डिमिंग देखने को आपको मिल रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। एक आपने देखा वेरिएबल स्टार क्या होते हैं, बेटल ग्वीस का जो वेरिएबल स्टार है तो क्यों आपका लाइक वो ब्राइट और फेंट क्यों बार बार हो रही है, ये एक ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हैज अफेक्टेड द अर्थ टिल्ट। अब देखो ये एक नई स्टडी है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि यार क्या ग्राउंड वाटर का जो एक्सट्रैक्शन है क्या इट विल हेल्प, जो ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन है क्या वो ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन अर्थ के जो ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन है क्या वो अर्थ के टिल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, वॉइस क्लियर आ रही है, एक बार बता देना कमेंट करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इट विल अफेक्ट द अर्थ टिल्ट का क्या मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो ये अर्थ है, ठीक है, दिस इज द अर्थ, अब ये अर्थ है और ये अपने एक्सिस में रोटेट कर रही है। अब जो ग्राउंड वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्शन है, विल इट हेल्प, मतलब क्या इसकी वजह से ये जो एक्सिस है इसमें चेंजेस आएंगे, मतलब ये टिल्ट कर जाएगी। अब इसको इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आप इस चीज़ को समझने का कोशिश करो कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये अर्थ का एक्सिस है, रोटेशनल एक्सिस है, अब अर्थ इधर को टिल्ट कर जाए, अलग अलग तरीके से, इस तरीके से टिल्ट देर कैरी भी लाइक अर्थ ऐसे टिल्ट कर सकती है। अब इसके लिए कई फैक्टर्स, एक फैक्टर इन्होंने कहा कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन भी हो सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कई सारे एस्पेक्ट इन्होंने हाईलाइट किया कि जो ग्राउंड वाटर है बहुत सारा अर्थ के अंदर से पंप किया जा रहा है, मतलब आप ग्राउंड वाटर निकाल रहे हो, उसको यूज़ कर रहे हो, एक जगह जहां ग्राउंड वाटर है वहां से दूसरी जगह आप ट्रांसफ़र जो है वो कर रहे हो, ये सब देखने को मिल रहा है। अब एक चीज़ आप सोचो, देखो अर्थ जो है वो यूनिवर्स के अंदर है, आसमान में एक तरीके से आप देखो कि यूनिवर्स में अर्थ लटकी हुई है, एक बॉल है और जो कि यूनिवर्स में लटकी हुई है। अब उसमें एक तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके मास को, उसके डेंसिटी को डिफाइन करेंगी। अब ग्राउंड वाटर है
कई प्रकार की चीज़ें हैं, धीरे धीरे हम उनको एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जो अर्थ का मास है दैट विल ऑल्सो बी अफेक्टेड इम्पैक्टेड, और इट कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, जैसे आप किसी चीज़ को अगर आप होल्ड करते हो, जैसे आप किसी चीज़ को ले रखा आपने, अपने हाथ पे ले रखा है, अब अगर उस चीज़ को आप एक बॉल को लो, उस बॉल को आपने ऐसे ऊपर से ऐसे लटका रखा है, धीरे धीरे अगर आपने जैसे जैसे मान लो थोड़ा भारी है बॉल, अगर भारी लेदर वाली बॉल है अगर आप साइड में एक टेबल फ़ैन लगा दो और लेदर वाली बॉल जो है उसकी तरफ फ़ैन को करो, तो लेदर वाली बॉल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब वो हवा जो है ना वो लेदर वाली बॉल को नहीं हिला पाएगी। अब उसी लेदर वाली बॉल की जगह अगर आपने कोई हल्की बॉल ले ली, मतलब या फिर लेदर वाली बॉल को काट के अंदर वाला जो उसका कॉर्क है वो निकाल लिया और खाली ऊपर वाली प्लास्टिक रखी, तो फिर हवा चलाओ तो फिर वो हिलने लग जाएगी। इट मीन्स व्हाट कि अगर आपने अंदर की चीज़ों पे चेंजेस किए तो उससे क्या हुआ कि वो बॉल का मास चेंज हो गया, और उसके बाद फिर इवन थोड़े बहुत भी फोर्सेस आए तो उससे उसके मूवमेंट को अफेक्ट पड़ रहा है। अब जैसे जो भी चीज़ें, जैसे मान लो ग्लेशियर्स हैं, माउंटेन्स हैं, ग्राउंड वाटर है, बहुत सारी डिफरेंट चीज़, ये सब चीज़ें क्या है, ये एक मास के रूप में, अगर आप इसको पूरे तरीके से यूज़ कर, जैसे ग्राउंड वाटर का यूज़ कर लिया, पूरा कंज्यूम कर लिया, सो इट विल ऑल्सो अफेक्ट द मास, द डेंसिटी ऑफ द अर्थ, और इससे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जो है अर्थ के एक्सिस पर भी पड़ सकता है, नई स्टडी आपकी ये कहती है। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन भी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका हो सकता है। ऑल दो साइंटिस्ट का मानना था कि हाँ, जो वाटर का मूवमेंट है वो अर्थ के रोटेशन को अफेक्ट कर सकता है। अब ये ज्योग्राफी में हो सकता है आपने पढ़ाया हो या ना पढ़ाओ, लेकिन दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। तो इस स्टडी ने क्या कहा कि नियरली 2150 बिलियन जो टन है ग्राउंड वाटर का, इट हैज़ बीन पम्प्ड एंड ड्रेन इन टू द ओशन, समुद्र में, लगभग 1993 से 2010 की अगर बात करें तो इस टाइम पीरियड में। इसकी वजह से फिर सी लेवल 6.24 mm राइज भी आपका हुआ है। तो यहाँ पे जिस तरीके से ग्राउंड वाटर ख़त्म आपका हो रहा है, इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द एक्सिस ऑफ द अर्थ, अर्थ के एक्सिस में भी बदलाव के लिए ये आपके रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, GS2 का इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है, द राइजिंग इंडिया इन वॉल्स डांस स्टेप विद द US। बहुत अच्छा इसमें दे रखा है, कई चीज़ें हमें पॉजिटिव भी पता होना चाहिए जब आप इंटरव्यू दे रहे हो, या जब आप कह सकते हैं कि जब आप लिख रहे हो, आंसर लिख रहे हो, या इकोनॉमी से रिलेटेड कोई प्रश्न आए, तो उसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। इस सेशन का PDF आप सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ से आप लोग को सेशन का PDF मिल जाएगा अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं। और अपने नोट्स जो है वो आप लोग कोशिश करो कि जो नोट्स हैं उनको बनाओ, सब्जेक्ट वाइज जो है प्रयास करो बनाने की। ठीक है, अब देखो, इंडिया को लगभग, इट टुक इंडिया 63 ईयर्स जिसके माध्यम से हम 1 trillion GDP बने, 7 ईयर्स टू हिट टू ट्रिलियन इकोनॉमी, मतलब 63 ईयर्स में हम 1 trillion इकोनॉमी बने, नेक्स्ट 7 ईयर्स में हम 2 trillion इकोनॉमी बने, 3 ईयर्स टू हिट $3 trillion, एंड हम 25 ट्रिलियन बन सकते हैं बाय 2047 तक हम रीच कर सकते हैं, एंड लाइक 100 ईयर्स में हम 2047 तक आपका 25 ट्रिलियन तक हम रीच कर सकते हैं। इंडिया 1700 में इंडिया की जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन था लाइक 35% ऑफ द ग्लोबल GDP, जो कि बहुत ह्यूज था, अराउंड 35% ऑफ द ग्लोबल GDP। फिर उसका ब्रिटिशर्स और ये सब आए, उन्होंने फिर सब लूटपाट मचाई। उसके बाद अभी अगर देखा जाए वो मात्र 4-5% है, बट स्टिल वी आर ग्रोइंग, और फिर हम एक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अब लगातार इंडिया और US के बीच में कोऑपरेशन चल रहा है, हमने भी कई प्रकार के प्रयास किए हैं। कल हमने एक टॉपिक भी डिस्कस किया था ICET, जिसमें इंडिया और US टेक्नोलॉजी लेवल पे कोऑपरेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो मतलब मिलिट्री लेवल हो या नॉन मिलिट्री लेवल हो, इंडिया US आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाय 2030 इंडिया के पास जो वर्किंग पॉपुलेशन होगी, फैक्ट आप यूज़ करना, लगभग 1 billion की होगी, मतलब G8 जो पॉपुलेशन है, जो एडवांस इकोनॉमीज़ हैं उनकी सारी पॉपुलेशन को भी मिला लो ना, सब बच्चे बूढ़े सबको भी मिला लो ना,
तभी वो 1 बिलियन नहीं हो पाएंगे। हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन इतनी रीच कर सकती है जो कि ह्यूज है, बहुत ह्यूज है। उसके बाद इंटरनेट कवरेज भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज आपका हो गया। फिर इंडिया का पर कैपिटा मोबाइल डेटा कंजम्पशन वो बहुत ज़्यादा, मतलब पहले आप मानो वर्ल्ड का लोएस्ट था, अब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंटरनेट कंजम्पशन भारत में होता है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। फिर हमने कोल सेस, मतलब जो टैक्स लगाया अलग अलग फ्यूल्स में, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनमें टैक्स लगाया, उसमें जो पैसा इकट्ठा हुआ उसके माध्यम से हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। फिर एक ये प्रोजेक्ट है जिसका नाम प्रगति है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। अब इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जितने भी स्टेट यूनियन गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनको, उनका रिव्यू डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से होता है। हर तरीके की कॉम्प्लेक्सिटीज़, कोई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो सब इसके अंदर जो आएंगे, तो उसका हर चीज़ टाइमली इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अदरवाइज़ फिर क्योंकि हाईएस्ट लेवल से चीज़ें मॉनिटर हो रही हैं तो फिर कई एक्शंस भी हो सकते हैं। फिर प्राइवेट सेक्टर्स को अलाउ किया गया कि आप कमर्शियल कोल माइनिंग ये सब चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, मतलब प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन पर भी आपका फोकस किया, कंटिन्यूस बेसिस में इस पर भी फोकस आपका किया गया है। एंड एक सिस्टम है जिसे कहा गया पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें भी क्या है कि ये जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है इसके माध्यम से जितने भी तरीके से, जैसे मान लो फाइनेंशियल लीकेज है, पैसा जो डाला अब वो पैसे का पूरे तरीके से सही तरीके से जिस पर्पज़ के लिए भेजा जा रहा है वो नहीं है, तो उस सारे पैसे को सही से मैनेज करना बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी, उसे पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक मतलब सरकारी जो पैसा है उसके लिए ये मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप आपका किया गया, जिससे कि जितना भी पैसा बर्बाद होता है या लीकेज है उसके, उसको कैसे दूर किया जाए, इसके लिए इसमें प्रयास किया गया है। फिर उसके बाद एक कोर, सेंट्रलाइज्ड कोर डेटा बेस इंटीग्रेशन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के, मतलब जैसे बैंक से रिलेटेड या अलग अलग जो भी डेटा है उस डेटा को इंटीग्रेट करना, अच्छा ये बेनिफिशियरी है इनको, ये बेनिफिशियरीज को पैसा पहुंचाना है या इतना पैसा उनको ट्रांसफ़र करना है, तो इसको एक एक सिस्टम के माध्यम से विदाउट एनी फाइनेंशियल लीकेज वो आपका किया जाए, तो इस पर भी फोकस आपका किया गया। फिर आपके पास एक परिवहन सिस्टम है, परिवहन सिस्टम में लगभग ये एक तरीके का ऐसा सिस्टम है जिसमें 1400 ट्रांसपोर्ट ऑफिसेस, उनको सबको एक साथ में कनेक्टेड है, किसी भी प्रकार का लीकेज नहीं हो, प्रॉपर रेवेन्यू कलेक्शन हो, तो ये सब चीज़ें, सब व्हीकल का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंसिंग कुछ भी आपकी की जाती है, जो पैसा आता है तो उस पर पूरा नज़र रखना, तो एक परिवहन सिस्टम भी है। तो देखो व्हेन यू आर राइटिंग सर्टेन थिंग्स, तो जैसे ग्रोथ पोटेंशियल के लिए उसमें हम टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करें, आज का मेंस का प्रश्न इसी पर है, तो परिवहन सिस्टम आप मेंशन कर सकते हो, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम को आप मेंशन कर सकते हो, प्रगति सिस्टम को आप मेंशन कर सकते हो, तो ये एग्जांपल के रूप में आप कोट जो है वो कर सकते हो। फिर इंडिया में लगभग 100 बिलियन रेमिटेंसेस आ रहे हैं एंड एट अराउंड 20 मिलियन, मतलब इंडिया के बहुत सारे जो लोग हैं वो बाहर रहते हैं, अब वो बहुत सारे उस देश की पॉलिसी मेकिंग में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इंडिया के पास डॉलर 100 बिलियन का रेमिटेंसेस है, इंडिया गेट अराउंड डॉलर 100 बिलियन रेमिटेंसेस, मतलब वहाँ से पैसे आपके भेजे जाते हैं। अब ये कहा गया कि इंडिया को और सारे प्रयास करने, जैसे हमें प्रयास करना है कि जो डिजिटाइजेशन है उसको कैसे इंक्रीज किया जा सके, डिजिटाइजेशन मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सके है, जैसे और अधिक इस्तेमाल किया जा सके, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लेकर आना, इस पर भी हमें फोकस करना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और इम्प्रूव करना, क्योंकि चाइना से जो अलग अलग कंपनीज वो छोड़ रही हैं, तो हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इम्प्रूव करेंगे तो हमारे जो है देश में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारे यहाँ पे अपनी कंपनी सेटअप करेंगे, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जुडिशियल रिफॉर्म्स की तरफ भी हम फोकस कर सकते हैं। इंडिया के पास डॉलर 290 बिलियन का बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ट्रेड डेफिसिट है, इतना ट्रेड डेफिसिट है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच का जो गैप है वो लगभग इतना है। 50% इंडिया का स्टिल स्टक इन एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के क्या है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको हमें ग्रो करवाना है, और साथ में मैन्युफैक्चरिंग जो है, मैन्युफैक्चरिंग है उसका कंट्रीब्यूशन को हमें और इम्प्रूव करना है। जैसे मेक इन इंडिया की भी बात करें तो हम 25% तक रीच करना चाहते हैं। ये सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हम एग्रीकल्चर में रिफॉर्म करना चाह रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इसमें इंडिया यूएस पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, फाइनेंशियल ट्रांसफ़र, एक्सपीरियंस ट्रांसफ़र यूएस के माध्यम से अगर होगा तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। प्लस हम यूएस को बहुत बड़ी यूएस को भी हम बहुत बड़ा मार्केट भी दे रहे हैं, इतना ह्यूज हमारे पास मार्केट भी है, प्लस हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स भी है जो हम यूएस को दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें एक बेसिस बन सकती है इंडिया यूएस रिलेशन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं,
अ समिट विथ सब्सटेंस। अब इसमें देखो, अभी इन्होंने अपने पॉइंट्स डाल दिए हैं इसमें, लेकिन इसमें देखो अभी क्या समिट 22-23 तारीख को होगी, तो उसके बाद बिना किसी स्पेकुलेशन के एक बार वो सबमिट हो जाए। सबमिट होने के बाद उसमें जो डिस्कशन होंगे उस फिर उसके नोट्स बनाए, मतलब स्पेकुलेशन के नोट्स नहीं बनाने चाहिए। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इस सबमिट के बारे में जो सर्टेन फैक्ट्स हैं। तो यहाँ पे इकोनॉमी का टॉपिक है, सबमिट फॉर अ न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट। नया जो ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट है ये आपका अभी दो दिन बाद जो है वो होनी है, जून 22 और जून 23 को होनी है नई ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट। फाइनेंशियल पैक्ट, अब देखो जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें तो पूरा का पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। अब ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का क्या, देखो इसमें सिंपल सी बात है, आप इमेजिन करो एक परिवार है। अब उस परिवार में कुछ लोग अच्छे कंडीशन में, कुछ लोग अच्छे कंडीशन में नहीं है। अब घर वाले के जो भी बड़े लोग हैं पैसा कमाया है, अब वो पैसा सही से सभी के विकास के लिए इस्तेमाल हो ऐसा सोच रखना कि भाई जिनके पास पैसा नहीं है डिफ़िकल्ट की सिचुएशन, उनको भी पैसा दिया जाए। इसी तरीके से विश्व के लेवल पे, विश्व पटल में लगभग $300 ट्रिलियन हैं, इतने का लगभग फाइनेंशियल एसेट है। अब इसको कैसे मैनेज किया जा सके, क्योंकि विश्व जो है बहुत बहुत तरीके की क्राइसिस फेस कर रहा है। अब विश्व में लगातार जैसे इनइक्वालिटीज़ बढ़ रही हैं, अमीर देश अमीर हो रहे हैं, गरीब देश गरीब हो रहे हैं, लोगों के बीच में अगर इनइक्वालिटी अगर बढ़ती चली जाएगी तो कभी भी वो विकास एक प्रकार से स्टेबल नहीं होता है, परमानेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि जो भी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम उसको कैसे ट्रांसपेरेंट किया जाए, कैसे उसको फेयर किया जा सके, और इनइक्वालिटी जो अलग तरीके की असमानताएं हैं उसको दूर करने के लिए सिस्टम का कैसे इस्तेमाल किया जा सके, इस पर फोकस करना है। क्राइसिस को कैसे डील किया जा सके, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को, बायोडाइवर्सिटी जो हमारी है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके, इनइक्वालिटी को कैसे दूर किया जा सके, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो आपके आए हैं उस पर भी इनका फोकस आपका किया गया है। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं टोटल, तो इन गोल्स को भी अचीव करने के लिए ये सबमिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि क्लाइमेट से रिलेटेड गोल हैं, प्राइवेट आपका बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, तो इनको कैसे दूर किया जा सके, तो इसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी और वो पैसे को कैसे मैनेज किया जाए इससे रिलेटेड सबमिट होनी है। और ये सबमिट फ्रांस और भारत दो देश करवा रहे हैं, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी ऑलरेडी है, तो अलग अलग जो एजेंडाज हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस आपके हैं जो कि आपके ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, जैसे कोविड की हो गया, जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन में, फिर उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, फिर और कई प्रकार के चैलेंजेस हैं। अब ऐसी स्थिति में जो कई सारे देश हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो पूरे तरीके से सपोर्ट अपनी पॉपुलेशन को कर सके, तो उन्हें आर्थिक सपोर्ट प्रोवाइड करना यही एक एम इस समिट का बन सकता। मतलब ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है जिसके माध्यम से सभी का विकास हो सके, सारे देशों का विकास हो सके। क्योंकि देखो विश्व में अगर देखा जाए तो जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार कौन है, तो जिम्मेदार सबसे बड़ा जिम्मेदारी तो डेवलप्ड देशों की होती है जिसे हम ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिला, ग्लोबल साउथ है। अब उनके पास जो डेवलपिंग देश है, अब उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, तो पॉल्यूशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, उसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस आपके हो रहे हैं, बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स देखने को मिल रहे हैं, लगभग उनके लिए $300 मिलियन का कॉस्ट आपका आ रहा है। तो इस फाइनेंशियल डिवाइड को दूर करना, मतलब एक की कैपेबिलिटी है कि आर्थिक लेवल से आर्थिक लेवल का जो भी चैलेंज फेस कर रहा है उसके पास पैसे हैं कि उसको डील कर सके, कोई नहीं कर सकता है। तो ये जो डिवाइड है, फाइनेंशियल डिवाइड है, उसको कैसे दूर किया जा सके, इस समिट का ऑब्जेक्टिव आपका रखा गया, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो क्लाइमेट चेंज हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कैसे अचीव किया जा सके, फिर प्राइवेट सेक्टर कैसे रोल प्ले कर सकता है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाया जा सकता है, ये सब चीज़ों पर इस समिट पर डिस्कशन आपका होगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखते हैं और मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, अगर IAS एग्जाम की तैयारी करें 2024 और 25 की, तो अन अकेडमी से जरूर से जुड़ो। अभी 12 महीने के सब्सक्रिप्शन में आपको 4 मंथ्स फ्री हैं, 18 मंथ में 6 मंथ फ्री हैं, और 24 से 26 36 मंथ का मतलब 2 साल से 3 साल के सब्सक्रिप्शन में आपको 2 साल फ्री हैं।
तो ये बहुत प्लस अनअकैडमी प्रॉमिस, यूज द कोड SPSAURABH, इस कोड का इस्तेमाल करोगे तो सारे ऑफर आप ले सकते हो। अभी देखो ऑल स्टार बैच भी है, फिर हिंदी बैच भी है, इंग्लिश बैच भी है, तो यहाँ पे देखो सारी क्लासेस आप लाइव देख सकते हो, इंडिया का टॉप एजुकेटर से लाइव पढ़ सकते हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी जितने भी सब्जेक्ट है सबकी लाइव क्लासेस कर सकते हो। जब आप अनअकैडमी से जुड़ते हो, मान लो आपने 2 साल के लिए जुड़े, तो आप इसमें सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेस आप 2 साल तक एक्सेस कर सकते हो। इसमें ऑप्शनल भी इंक्लूडेड है, इसमें आपका टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, इसमें आपका सीसेट भी इंक्लूडेड है, और सारी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, और इवन क्लास मिस हुई तो रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हो। तो ये कोड यूज करके आप ज्वाइन कर सकते हो SPSAURABH, SP Saurabh विदाउट एनी स्पेस, इस कोड का इस्तेमाल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज द कोड SPLIVE, ये कोड भी आप इस्तेमाल करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ये कोड जो मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम भी है, तो इसमें 16 सेक्शनल टेस्ट और 4 फुल लेंथ टेस्ट हैं, तो इसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। तो इसमें भी आप टॉप एजुकेटर से लाइव पढ़ सकते हैं और मेंस आंसर राइटिंग और इन सब पे फोकस आप कर सकते हैं। तो इसका भी 18 जून से शुरू हो रहा है, यूज़ द कोड SPSAURABH, ठीक है, SP Saurabh ये कोड यूज़ कर सकते हैं, या फिर SPLIVE इस कोड का इस्तेमाल करके आप ज्वाइन कर सकते हो, तभी आप अवेल कर सकते हैं। आपके पास ये भी एक अच्छा मौका है कि आप ऑप्शनल अपना पूरा करें, ठीक है, ऑप्शनल जैसे पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, तो ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये ऑप्शनल भी रन हो रहा है। तो टारगेट तो आपका होना चाहिए कि दिसंबर तक आपका जो ऑप्शनल है वो पूरा कर लो। तो अगेन यू कैन यूज़ द कोड SPSAURABH, ठीक है, SP Saurabh यूज़ करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इसमें ऑप्शनल भी इंक्लूडेड ऑलरेडी है। चलो क्वेश्चन का आंसर करो। विथ रेफरेंस टू सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, अब देखो यहाँ पे बार बार मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ कि यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितने करेक्ट हैं, ठीक है, हाउ मेनी पूछा है। अगर ओनली वन का मतलब है 3 में से 1 करेक्ट है, ओनली 2 का मतलब है 3 में से 2 करेक्ट है, वो 2 कोई भी हो सकते हैं, वो 1 कोई भी हो सकता है, यही नया पैटर्न जो है वो आपका आया। सो This is the independent national level institution which conduct audit of the government activities. Most supreme audit institutions are established in their country's constitution and their mandate is further refined in national legislation. Nearly every supreme audit institution in the world is a member of international organization of सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन जैसे हमारे देश में भी ऑडिट एंड अकाउंटिंग जो है तो आपके पास संस्थाएं हैं, तो इंडिपेंडेंट नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि गवर्नमेंट के ऑडिट एक्ट करती हैं, और हमने अकाउंटिंग और ऑडिट को अलग कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है, कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से उनका एस्टैब्लिशमेंट होता है, प्लस हम लॉ बनाते हैं जिसके माध्यम से फिर फर्दर उसके उसको डिफाइन भी किया जा सकता है। हर एक जो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस हैं इन द वर्ल्ड, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है उसका हिस्सा भी है। तो ये अगर आप देखोगे न्यूज़ ऑन AIR के अंदर, सेकंड समिट ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ G20 कंट्रीज गोवा में हुआ है, तो ये फैक्ट याद रखना, गोवा के अंदर ये आपका हुआ है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, एक बार जल्दी से आंसर करना, ठीक है। अब याद रखो सी लेट्यूस क्या है, अब इसका भी ये जो न्यूज़ है ये आपकी, ये आप देख सकते हो, 20 स्पीसीज साइंस टेक डेली से आइए, 20 स्पीसीज ऑफ सी लेट्यूस आर प्रेजेंट इन बाल्टिक स्कैंडिनेवियन कोस्ट, रिसर्च कह रही है। अब देखो ऐसी लेवल का कंटेंट पढ़ना है आपको, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी स्पीसीज ऑफ बैक्टेरियन उल्वा इन स्वीडन, सी लेट्यूस ग्रो ऑन क्लिफ्स एंड रॉक्स एट द एज ऑफ द वाटर अलॉन्ग द एंटायर वेस्ट कोस्ट एंड इन द बाल्टिक सी अप टू द बे ऑफ बोथनिया। सी लेट्यूस इज वेरी न्यूट्रिशनल विथ रिलेटिवली हाई प्रोटीन कंटेंट, हेल्दी पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड एंड डायट्री फाइबर्स, करेक्ट आपको बताना। तो ये देख रहे हैं ना, ये सी लेट्यूस है, ठीक है। तो ये कई प्रकार की स्पीसीज इसमें होता है, एक बैक्टीरिया वल्वा करके है वो भी इसमें प्रेजेंट है। तो इट कंसिस्ट ऑफ मैनी स्पीसीज ऑफ ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है मैनी स्पीसीज ऑफ ग्रीन एल्गी से ये कंसिस्ट आपका होता है, ग्रीन एल्गी, तो है ना, ग्रीन एल्गी लिखा है यहाँ पे। देखो बैक्टीरिया उल्वा कैसे हो सकता, मतलब ये बैक्टीरिया कैसे हो सकता, सिंपल सी बात है। तो ये ग्रीन एल्गी है, ठीक है, ग्रीन एल्गी जिसे उल्वा कहते हैं, ठीक है। तो ये सही है, ये गलत हो गया। उसके बाद बाकी दोनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। स्वीडन में ये जो रॉक्स और जो भी चीज़ें पानी के बगल में कोस्टल इलाके में हैं, या बाल्टिक सी बे या बोथनिया जो लोकेटेड यूरोप के अंदर है, तो यहाँ पे उनके किनारे में आपकी पाई जाती है, इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट भी प्रेजेंट है। तो आंसर इसका ओनली 2 होगा, तो मतलब 2 स्टेटमेंट 3 में से सही है। नेक्स्ट देखो, हाउ डू एल नीनो एंड ला नीना चेंज द वेदर, अभी आप खुद आंसर करना। ग्लोबल टेम्परेचर टिपिकली इंक्रीज ड्यूरिंग एन ला नीना एपिसोड एंड फॉल ड्यूरिंग एल नीनो। ला नीना मीन्स वार्मर वाटर स्प्रेड फर्दर,
स्टे क्लोजर टू द सर्फेस, दिस रिलीज मोर हीट इन द इन टू द एटमोसफियर, क्रिएटिंग वॉट क्रिएटिंग वेटर एंड वार्मर एयर. CO2 level in the atmospheric increases during La Nina event, possibly as a result of a warmer and drier condition in the tropical region. Correct बताना है. अब इसमें आप जो है फटाफट पॉज कर दो वीडियो को और आंसर करो. इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको आंसर खुद बताना है इसका, ठीक है. La Nina El Nino event हमने बहुत बार डिस्कस किया है. तो यहाँ पे देखो BBC का, what are the El Nino and La Nina and how do they change the weather. Next देखो ग्रेविटेशनल लेंसिंग भी मैंने आपको पढ़ा रखी है. ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होती है, बहुत बार डिस्कशन इस पर किया हुआ है. व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ये भी आप खुद से आंसर करो. ग्रेविटेशनल लेंसिंग इज अ कंसिक्वेंस ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिवली दैट वॉज ऑब्जर्व ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स इन 1919, मेक द साइंटिस्ट फेमस ऑलमोस्ट ओवरनाइट. ग्रेविटेशनल लेंसिंग डिस्टॉर्ट एंड एम्प्लीफाई द लाइट फ्रॉम इवन मोर डिस्टेंट सोर्सेज, प्रोवाइडिंग एस्ट्रोनॉमर्स विद वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ऑन बोथ द लेंस एज वेल एज द लेंस्ड ऑब्जेक्ट. ग्रेविटेशनल लेंसिंग ऑकर्स वेन मैसिव फोर ग्राउंड ऑब्जेक्ट बेंड एंड वार्प द फैब्रिक ऑफ स्पेस इटसेल्फ. करेक्ट बताना है, ठीक है. बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है. स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल लेंस रिजल्ट इन फोर इमेजेस ऑफ सेम डिस्टेंट सुपरनोवा. तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल लेंसिंग, इस पर बहुत बार मैंने आपसे डिस्कशन किया है. कमेंट सेक्शन में आप एक्सप्लेन करना व्हाट डू यू मीन. अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार जरूर से मुझे बताओ, तो कल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. वैसे वी हैव डिस्कस्ड, इस इमेज से आपको पूरे तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ठीक है. तो ये बहुत बहुत बार, कम से कम 8 से 10 बार मैंने इसको एक्सप्लेन किया है ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या है. तो इसमें आंसर है, इनके तीनों ही स्टेटमेंट आपके जो है सही हैं. ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. मेंस का क्वेश्चन देख लो. ये आप सौरभ पांड्या अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे आपको अपने आंसर सेंड करने हैं. जरूर से लिखो और आंसर सेंड करो. व्हाट रोल टेक्नोलॉजी कैन प्ले इन एक्सप्लोरिंग इंडियाज ग्रोथ पोटेंशियल, 10 मार्क्स में लिखना है और जरूर से आप लिखो. दूसरी चीज़, आप हैबिट डेवलप करो कि लाइव सेशन देखने की. अभी थोड़ा सा कुछ इशू की वजह से आई हैव टू टेक द सेशन इन दिस मैनर. कल से आपका जैसे सेशन होता है वैसे ही चलेगा, जो लाइव मैं आपके लिए प्रेजेंट, वही ये भी लाइव ही सेशन है, ठीक है. तो वो मतलब आपके सामने मैं रहूँगा. बट क्या होता है, कई बार बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं. अब आज भी बहुत टॉपिक, कल भी बहुत टॉपिक है, तो कवर करना आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि जो है इस फॉर्मेट में थोड़ा सा और जल्दी हो जाता है. तो यहाँ पे पॉइंट आपको समझना है कि एक तो लाइव सेशन आप जरूर से देखें, साथ में कोशिश करें कि ये जो टॉपिक्स हैं जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हैं, है ना, इनको पढ़ने का एक आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा. मतलब पॉलिटिकल न्यूज़ और इस टाइप की जो चीज़ें वन लाइनर टाइप आती रहती हैं, तो उनसे बियॉन्ड जाके आपको साइंस टेक्नोलॉजी के ये जो टॉपिक्स हैं ना, इन पर इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा. क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल बढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस के लेवल इंक्रीज हो रहे हैं, है? तो जब भी प्रश्न आए, अब UPSC के ऊपर निर्भर करता है, बट प्रश्न अगर आ रहे हैं तो फिर हमें उस लेवल की भी पढ़ाई अपनी करनी पड़ेगी, अपने अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करना पड़ेगा. और सोर्स मात्र न्यूज़पेपर है ये क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है. तो आप अपने स्टैटिक एस्पेक्ट को, जो भी एडवांस चीज़ें पढ़नी हो, न्यूज़पेपर के माध्यम से ही आप कर सकते हैं. कोई भी मंथली कंपाइलेशन और ये सब चीज़ें उसमें इतना अधिक कवरेज नहीं होता है ना, प्लस आप उस प्रकार का एप्टीट्यूड डेवलप कर. अब कोई भी मान लो मैगजीन कंपाइलेशन है, अगर वहाँ से ही प्रश्न आए होते बहुत ज़्यादा, तो फिर आपका कट ऑफ इतनी कम थोड़ी ना जाती. कट ऑफ तो फिर एक बार आया था 2016 के अंदर, आई थिंक एक कंपाइलेशन, उससे कई सारे क्वेश्चंस थे, कट ऑफ 116 चली गई थी. तो ये आप याद रखना कि सब लोगों जो 365 और ये सब पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी कट ऑफ इतनी कम जा रही. इसका सिंपल सा लॉजिक रहता है कि आप, अगर आप साल भर हम सारे कंटेंट को कवर नहीं कर रहे हैं, तो एक कंपाइलेशन से नहीं होगा, क्योंकि उस कंपाइलेशन को पढ़ने के लिए तो 5-6 दिन 7 दिन की ज़रूरत है. सिंपल सी बात है. तो एक न्यूज़पेपर, जैसे हम लोग हिंदू को कवर कर रहे हैं, प्लस अलग अलग सोर्सेस में जहाँ भी प्रीलिम्स के टॉपिक्स, वो भी मैं आपको कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स करवा रहा हूँ, तो वो अगर आप थोड़ा सा कंफर्टेबल जो है हो जाएं इन चीज़ों को करने में, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है. तो इसका आंसर आप लोग सौरभ पांडे, ठीक है, सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पे आप लोग अपने इसका PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, एंड अपने आंसर भी जरूर से पोस्ट करें. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू.